रेशनल नंबर्स के अंदर ये सारी कैटेगरीज आती है इसमें नेचुरल नंबर्स हैं होल नंबर्स हैं इंटीजर्स हैं इवन और ऑड नंबर्स हैं प्राइम और कंपोजिट नंबर्स हैं और स्क्वायर नंबर्स और क्यूब नंबर्स हैं ठीक है जो कि आपके सिलेबस में इंक्लूडेड हैं ओके सो वन बाई वन विल बी डिस्कसिंग द डेफिनेशन एज वेल एज द एग्जाम्पल्स ऑफ ईच कैटेगरी अच्छा सो फर्स्ट टाइप इज रेशनल नंबर्स सो रेशन नंबर दट द नंबर्स दैट कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू वेयर पी एंड क्यू आर द इंटीजर्स एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू जीरो तो इसका मतलब है कि कोई भी नंबर अगर हम फ्रैक्शन में ले सकते हैं पी ओवर क्यू यानी कि फ्रैक्शन फॉर्म में तो फ्रैक्शन फॉर्म में किसी भी नंबर को अगर लिखा जा सकता है सो ऐसा नंबर क्या होगा जी रैशनल नंबर तो मैं इसको ज़रा एक्सप्लेन करता हूँ विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल्स ठीक है एक जी लेट्सपोज वी हैव ए फ्रैक्शन लाइक टू ओवर थ्री ये फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा हुआ नंबर आपको नज़र आया तो ये रैशनल नंबर है ठीक है और एग्जाम्पल से ले, ले लेता हूँ जैसे कि फाइव ओवर सेवन इज़ ए रैशनल नंबर और uh, अगर आप इंटीजर भी ले लेते ले हैं ले 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 ले, जैसे फाइव है तो इसको भी फ्रैक्शन में लिखा जा सकता है बिकॉज दिस फाइव कैन भी ड फाइव ओवर वन सही हो गया अब आग चल, आगे चलते कुछ डेसिमल नंबर्स की तरफ कि क्या वो रैशनल हैं कि नहीं तो फॉर एग्ज़ाम्पल टू पॉइंट सिक्स फाइव इस नंबर को मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकता हूँ यस yes कर सकता हूँ अगर मैं एक पॉइंट को रिमूव कर दूँ तो क्या होगा टू सिक्सटी फाइव ओवर हंड्रेड बन जाएगा ठीक है सो so, एक फ्रैक्शन बन गई है सो दिस फ्रैक्शन इज़ अ रैशनल नंबर क्लियर हो गया अच्छा अब डेसिमल में ना दो तरह की टाइप्स आती हैं एक दिखें डेसिमल नंबर टर्मिनेट कर रहा है यानी इसके डिजिट्स खत्म होते जा रहे हैं एक नंबर ऐसा हो सकता जिस है जिसमें डेसिमल यानी कि जो डिजिट्स हैं आफ्टर द डेसिमल ये रिपीट करते जाएंगे जैसे कि ये है टू ओवर थ्री अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर तो देखिएगा टू डिवाइड बाई थ्री क्या आएगा मेरे पास आंसर ज़ीरो पॉइंट सिक्स 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 यानी चलता जाएगा ठीक है सो so ऑन तो ये नंबर जो है इस नंबर को बोलते रिकरिंग यानी कि रिपीट कर रहा नंबर तो ये भी रैशनल की ही टाइप है ठीक है तो इसका मतलब है जो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स हैं नॉन टर्मिनेटिंग सॉरी टर्मिनेटिंग नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग नंबर्स जो टर्मिनेटिंग नंबर हैं वो रेशनल आएगा ठीक है, है? यानी जो खत्म हो टू पॉइंट सिक्स फाइव है और जो दूसरी टाइप है वो कौन सी नॉन टर्मिनेटिंग हो लेकिन रिकरिंग भी होना चाहिए साथ ठीक है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग कौन सा है जी टाइप ये वाला जो टर्मिनेट तो नहीं हो रहा लेकिन ये रिकर कर यानी कि बार बार रिपीट कर रहा है सिक्स 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 चलता जाएगा और भी एग्जाम्पल हो सकती है जैसे कि मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको इवन फाइव ओवर सेवन भी जरा देखिए कैलकुलेटर भी जरा चेक करते हैं फाइव ओवर सेवन को सो फाइव डिवाइड बाई सेवन क्या आएगा हाँ जी ये देखें ये जो इसने कैलकुलेटर ने लगा दी लाइन इसका मतलब क्या ये रिपीट करें डिजिट्स यानी कि सेवन अगर जीरो पॉइंट सेवन वन फोर टू एट फाइव के बाद दोबारा सेवन वन फोर टू एट फाइव आएगा और फिर यही चलता जाएगा सही है तो रिपीट ज़रूरी नहीं एक ही डिजिट कर रहा हो कई दफ़ा देखेंगे हमें सिक्स डिजिट्स आपस में सिक्स सिक्स डिजिट्स का सेट आता है फिर ये रेपिटेशन स्टार्ट कर देगा सही हो गया तो ऐसे नंबर जो टर्मिनेट कर रहे हो या अगर टर्मिनेट नहीं कर रहे तो वो रिकरिंग होने चाहिए तो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं जी रेशन नंबर्स ठीक हो गया नेक्स्ट आगे चलते हैं इ नंबर्स सो so, इेशन नंबर्स ये आई आर है ये जरा सही कर लें सो इरेशन नंबर्स आर नंबर्स दैट कैन नॉट बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू यानी कि ऐसे नंबर जिनको हम फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते उनको हम बोलते हैं इर रैशनल नंबर्स ठीक है जैसे एग्जाम्पल्स हैं जी सर्ड्स स्क्वायर रूट के अंदर ऐसे नंबर दिखे जाए जो परफेक्ट स्क्वायर्स ना हो इनको हम सर्ड बोलते हैं जैसे स्क्वायर रूट थ्री है ठीक है अगर स्क्वायरूट फोर हो तो वो तो टर्मिनेटिंग वो उसका आंसर तो स्क्वायर ये देखें स्क्वायर रूट फोर का आंसर टू आता है तो ये स्क्वायर रूट फोर जो है ना वो रैशनल में ही आएगा ठीक है लेकिन अगर स्क्वायर रूट थ्री निकालें तो इसका स्क्वायर रूट जो है ना वो मुकम्मल यानी ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है थ्री तो चेक कर सकते हैं इसका आंसर क्या जरा देखते हैं जी स्क्वायर रूट थ्री इज इक्वल टू दिस अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई रेपिटेशन नहीं आ रही ठीक है और चलता जा रहा है ये तो इसका मतलब ऐसा नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग हो यानी कि रिकर भी नहीं यानी कि रिपीट भी नहीं कर रहा और टर्मिनेट भी ना हो रहा हो तो ऐसे नंबर को हम बोलते हैं इरेशनल नंबर तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कैटेगरी नॉन टर्मिनेटिंग और एंड नॉन रिकरिंग ठीक है अच्छा जी तो ये इसके और एग्जाम्पल जैसे कि स्क्वायर रूट फाइव है स्क्वायर रूट सेवन है स्क्वायर रूट टेन कह सकते हैं या टू टाइम्स स्क्वायर रूट फाइव हो सकता है ये सर्ट भी होंगे ठीक है एक और बड़ी फेमस uh, एग्ज़ाम्पल है इशन uh, नंबर की वो है जी पाए क्योंकि पाए की जो वैल्यू है ना वो असल में देखें अगर आपने सर्कल पढ़ा हो तो सर्कल का जो सर्कम है अगर मैं इसको सी कहता हूँ और इसको हम बोलते हैं जी रेडियस ठीक है तो इसका सर्कम फ्रेंस का फॉर्मूला सी इज़ इक्वल टू टू पाई आर राइट तो इस अगर मैंने पाई फाइंड करना हो तो क्या करेंगे टू आर को वहाँ ले जाएंगे यानी कि सी ओवर टू आर बन जाएगा या ऐसा भी दे सकते हैं पाई इज इक्वल टू टू आर उ डाया मीटर सी ओवर डी तो पाई की वैल्यू होती है जी सर्कल का सरकमफ्रेंस डिवाइड बाय इट्स डायमीटर अब ये एक सर्कल का है अगर आप डिफरेंट सर्कल्स लेते हैं और इससे फिर वैल्यूज निकालते हैं पाई की ठीक है तो वो थोड़ा थोड़ा स्लाइड से डिफरेंस आएगा ठीक है ना तो ये जो डिफरेंस वाली वैल्यूज आ रही फिर एवरेज लेंगे तो वो पाई की वैल्यू निकलेगी इसका मतलब पाई की वैल्यू जो है ना वो आपके पास एग्जैक्ट नहीं आती राइट right? यानी जितने आप बढ़ाते जाएंगे सर्कल्स पाई की वैल्यू जो है ना उतनी रिफाइंड होती जाएगी तो इसी वजह से जो पाई जो है ना वो उसकी वैल्यू एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है ठीक है जी तो आप चेक भी कर सकते हैं देखें जी कैलकुलेटर में निकालता हूँ और शिफ्ट पाए जी इसकी जरा चेक करते हैं देखें थ्री पॉइंट वन फोर वन फाइव नाइन टू सिक्स फाइव फोर तो ये रिपीट जो है ना वो नहीं कर रही ठीक है कहीं भी डिजिट्स रिपीट नहीं कर रहे तो दैट्स वाई इज एन इेशनल नंबर समझ आ गई है जी क्योंकि ये रेपिटेशन नहीं हो रही थ्री पॉइंट वन फोर टू अच्छा जी तो और ये चलता जा रहा है लेकिन रिपीट नहीं कर रहा ठीक है अच्छा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि नॉर्मली कुछ बुक्स के अंदर लिखा होता है पाई की वैल्यू है ट्वेंटी टू ओवर सेवन ठीक है ऐसे लिखा होता है पाई इज़ इक्वल टू ट्वेंटी टू ओवर सेवन अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा देखिए ट्वेंटी टू ओवर सेवन तो पाई के इक्वल लिखा हुआ है ठीक है ट्वेंटी टू ओवर सेवन तो फ्रैक्शन है ठीक है सो so फ्रैक्शन तो हमने पढ़ा है कि जो वो रैशनल नंबर होता है तो फिर हम पाई के रैशनल नंबर क्यों कह रहे हैं तो अब इसका मैं क्लियर करता हूँ जो पाई है ना वो ट्वेंटी टू ओवर सेवन के इक्वल नहीं होती ठीक है ट्वेंटी टू ओवर सेवन जो है ना प्राई की एक अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू है सही है क्योंकि अगर इसको हम चेक करें कैलकुलेटर के ऊपर ट्वेंटी टू ओवर सेवन करके जरा देखते हैं ट्वेंटी टू डिवाइड बाई सेवन तो आप देख सकते हो इसका जो आंसर है, आया है थ्री पॉइंट वन फोर टू एट फाइव सेवन आया है ठीक है तो मैं ज़रा लिखता हूँ इसका जी आंसर आ रहा है जी थ्री पॉइंट वन फोर टू एट आगे कौन से डिजिट्स हैं आगे हैं जी फाइव सेवन और ये रिपीट कर रहा है आपको देखें उस पर लिखा भी हुआ है ऐसे एरो लगा डैश लगाया बस बसने ऊपर ठीक है इट मींस इट रिपीट्स तो अगर मैं इसको दोबारा ये टू है ठीक है तो अगर मैं इसको राउंड ऑफ करूँ ये बनेगा थ्री पॉइंट वन फोर थ्री ठीक है लेकिन अगर मैं इसको देखूँ जो कि पाई की एक्चुअल वैल्यू है जो कैलकुलेटर ने निकाली है वो है जी ये शिफ्ट पाए ये थोड़ी डिफरेंट है आप देख सकते थ्री पॉइंट वन फोर वन फाइव ठीक है तो ये उससे डिफरेंट वैल्यू आ रही है ये देखें थ्री पॉइंट वन फोर वन फाइव नाइन जबकि राउंड ऑफ करूं थ्री पॉइंट वन फोर टू बनेगा थ्री बनेगा और जबकि ये क्या बनेगा थ्री पॉइंट वन फोर टू बनेगा इसका मतलब है ये जो है ना अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू है किसके एक्चुअल पाई के तो ट्वेंटी टू और सेवन इज नॉट ए पाई लेकिन ये अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू कह सकते हैं इसी वजह से नंबर ओवर जो है ना वो अगर आपको पूछा जाए है लेकिन अगर आपने बताना है कि पाए जो है वो इेशनल नंबर है राइट ओके जी अब कैटेगरीज आ गई जी रैशनल की जैसे देखें रैशनल नंबर्स की कुछ कैटेगरीज है वो हम बारी बारी डिस्कस करते हैं ठीक है फर्स्ट है जी नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं सो द नेचुर नंबर्स आर द काउंटिंग नंबर्स दैट स्टार्ट फ्रॉम वन तो इसमें कौन से नंबर्स uh, आ जाएंगे आपके पास देखिए उसने लिखा भी हुआ है कि जो वन से स्टार्ट होते हैं ठीक है तो ये होंगे जी वन से लेकर काउंटिंग नंबर्स हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट और ये सो ऑन चलते जाएंगे ठीक है सो दिस इज द नेचुरल नंबर सेट इसके अंदर वन से लेकर आगे चलते जाएंगे जीरो इसमें इंक्लूड नहीं होता ठीक है अगली जो कैटेगरी है वो जी होल नंबर्स की है तो होल नंबर्स होल नंबर इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल द बेसिक होल नंबर इज ए कलेक्शन ऑफ बेसिक ऑफ ऑल द बेसिक काउंटिंग नंबर्स एंड जीरो यानी काउंटिंग नंबर्स तो है वन से लेकर चलते जा रहे हैं ठीक है और उसके अंदर जीरो भी इंक्लूड हो जाता है इसका मतलब होल नंबर स्टार्ट कहाँ से होगा जीरो से होगा बाकी वही है नेचुरल नंबर्स ठीक है सो दिस इज द सेट ऑफ होल नंबर्स इसमें ज़ीरो भी इंक्लूड होगा यानी कि हम कह सकते हैं कि जो सेट ऑफ होल नंबर है दिस इज एक्चुअली द यूनियन ऑफ जीरो एंड नेचुरल नंबर्स सेट राइट अच्छा जी आप नेक्स्ट करते हैं जी इंटीजर्स इंटीजर्स एंड इंटीजर इज ए नंबर विथ नो डेसिमल और फ्रैक्शनल पार्ट एंड इट इंक्लूड्स नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो तो ऐसे नंबर जो डेसिमल नहीं होते सिंपल सी बात है वो हैं में है इंटीजर्स जैसे मैं एग्जाम्पल माइनस टू है प्लस फोर है इसमें देखिए ने, नेगेटिव भी आते हैं और पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं तो ये इसमें नेगेटिव नंबर्स भी होंगे और पॉजिटिव भी होंगे उसके साथ लिखा है इंक्लूडिंग जीरो तो अगर इसका सेट में लिखूंगा तो वो क्या होगा वैसे इसे जी से, से शो करते हैं सेट को तो वो पूरी नंबर लाइन होगी देखें माइनस फोर माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन जीरो भी इंक्लूड है वन बी टू बी थ्री बी फोर बी एंड सो ऑन तो देखें नेगेटिव नंबर्स भी आते जा रहे हैं उसमें पॉजिटिव नंबर्स भी आते जा रहे हैं और ज़ीरो भी है ठीक है तो ये कैसे नंबर्स होंगे जो डेसिमल में नहीं है क्लियर अच्छा यानी जिनका जो डिनोमिनेटर है वो वन आएगा ठीक है अगर मैं इसको डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करूंगा तो फोर ओवर वन यानी कि इसका वन होगा डिनोमिनेटर चले जी नेक्स्ट कैटेगरी देखते हैं नेक्स्ट कैटेगरी ऑब्वियसली है जी हमारे पास ऑड नंबर्स की तो ऑड नंबर आर होल नंबर्स दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड एग्जैक्टली बाई टू यानी ऐसे नंबर्स इंटीजर्स होंगे बेसिकली या होल नंबर्स हैं होल इंटीजर के बने जाए होल नंबर्स कहना चाहिए क्योंकि हम ले रहे हैं पॉजिटिव ठीक है तो ऐसे होल नंबर जिनको हम टू पर डिवाइड नहीं कर पाते एग्जैक्टली exactly, तो उनको बोलते हैं जी ऑड नंबर्स ठीक है फॉर एग्जांपल वन नहीं हो सकता टू पे डिवाइड टू हो सकता है तो ये नहीं होगा थ्री नहीं हो सकता राइट right? फोर हो सकता है टू पे डिवाइड तो ये नहीं लेना ठीक है इस इतना फाइव सिक्स हो सकता है ये भी नहीं लेना तो ये चलते जाएंगे ठीक है इसका मतलब है जो और नंबर का सेट है वो कहाँ से स्टार्ट होगा वन थ्री फाइव सेवन सो ऑन राइट अच्छा जी अब आगे चलते हैं जी ई नंबर्स सो आ नंबर दैट इज डिविजिबल बाई टू एंड जनरेट्स अ रिमाइंडर ऑफ़ जीरो इज़ कॉल्ड इन ईवन नंबर यानी ऐसा नंबर जो टू पर डिवाइड हो जाता हो यानी कि डिवाइड होने का मतलब अगर रिमाइंडर जीरो देगा तो ऐसा नंबर ईवन नंबर कहलाता है ठीक है एग्जाम्पल है जैसे में एग्जाम जीरो कहते हैं ज़ीरो भी ईवन नंबर है उसके बाद वन डिवाइड नहीं होता टू पर ठीक है तो ये ईवन नंबर नहीं है टू ईवन नंबर है क्योंकि टू पर डिवाइड हो जाता है टू यानी मल्टीपल्स ऑफ टू कह लें ठीक है या मल्टीपल्स ऑफ टू भी कह सकते हैं आप तो थ्री पर थ्री डिवाइड नहीं होता टू पे ये नहीं होगा इवन नंबर फोर होगा फाइव नहीं होगा मैं कैंसिल कर रहा हूँ सिक्स होगा ठीक है तो ये इस तरह चलते जाएंगे सो द सेट ऑफ इवन नंबर्स विल बी इक्वल टू स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो टू फोर सिक्स ऑन ठीक है ओके नेक्स्ट कैटेगरी में जाते हैं उसके बाद कौन सा जी इवन के बाद प्राइम uh, नंबर्स हाँ जी ये बड़े इंपॉर्टेंट है ये जरा ध्यान सुनिएगा तो डेफिनेशन इज़ अ नंबर विच हैज़ ओनली टू फैक्टर्स फैक्टर्स क्या होते हैं जो उस नंबर को डिवाइड कर सकें ठीक है पूरा है का पूरा यानी कंप्लीटली सो ऐसा नंबर जिसके सिर्फ टू फैक्टर्स हो कौन कौन से वन और वो खुद नंबर अ नंबर इट्स सेल्फ राइट तो मैं एग्जाम्पल देता हूँ इसकी देखें जरा यहाँ मैं कैटेगरी देखें वन वन के कितने फैक्टर्स बन रहे हैं वन सिर्फ वन पर डिवाइड होता है तो इसका एक ही फैक्टर हुआ इसका मतलब है ठीक है अब अगला नंबर देखते हैं टू इससे कितने फैक्टर्स बनते हैं टू को वन पे भी डिवाइड होता है और टू पे भी डिवाइड होता है इसका मतलब है टू के दो फैक्टर्स बन गए इसके अलावा और कोई फैक्टर नहीं बन रहा थ्री पे आ जाए इसे कितने फैक्टर्स बन रहे हैं वन बन रहा है और थ्री बन रहा है और कोई नंबर इसको डिवाइड नहीं कर सकता फोर पे आते हैं वन पे डिवाइड हो जाता है टू पे भी डिवाइड हो सकता है फोर पे भी डिवाइड होता है फोर तो इसका मतलब इसके थ्री फैक्टर्स बन गए अब दो वाले फैक्टर्स वाले आपके पास नंबर्स कौन से नजर आ रहे हैं ये वाले तो ये कौन से हुए प्राइम नंबर्स सही है जबकि इनके फैक्टर्स कितने थ्री फैक्टर्स हैं तो ये प्राइम नंबर नहीं है इसी तरह इसका फैक्टर एक ही आता है वन तो ये वन जो है ना एक स्पेशल कैटेगरी इसको हम प्राइम नंबर कंसिडर नहीं करते राइट तो इसका मतलब जब प्राइम नंबर का सेट है वो क्या बनेगा कहां से स्टार्ट होगा टू से स्टार्ट होगा टू थ्री हाँ जी फोर फ़ाइव के भी दो फैक्टर्स होते हैं इसी तरह सिक्स के ज़्यादा फैक्टर्स बनते हैं वो सिक्स नहीं इंक्लूड करेंगे सेवन होगा आ, इसके अलावा आप एट नाइन टेन अलेवन टेन थर्टीन उसके बाद सेवनटीन है फिर नाइनटीन है ट्वेंटी थ्री है ऑन तो ये सारे क्या हैं प्राइम नंबर्स हैं क्योंकि इन सब नंबर्स का आप चेक कर सकते हैं ये किसी पर भी डिवाइड नहीं होंगे स्वाए वन के या ख़ुद पर ठीक है अच्छा जी अब नेक्स्ट कैटेगरी है जी कॉम्पोजिट नंबर्स सो so, so, आ नंबर विच हैज़ मोर दैन टू फैक्टर्स फैक्टर्स इज़ कॉल्ड द कम्पोजिट नंबर तो ये वही कैटेगरी आ गई जो कि देखें हमने मिस कर दी जैसे फोर है तो so, फोर के देखें तीन फैक्टर्स बन रहे हैं यानी दो से ज़्यादा फैक्टर बन रहे हैं तो फोर इज़ ए कंपोजिट नंबर ठीक है उसके बाद फाइव प्राइम नंबर है उसे तो अगला होगा सिक्स हाँ जी सिक्स के फैक्टर ज़्यादा बनते चेक कर सकते हैं सिक्स के फैक्टर्स बनते हैं जी वन टू थ्री और सिक्स ठीक है तो सिक्स के फोर फैक्टर्स बन रहे हैं यानी मोर देन टू इसी तरह सेवन को चेक करें सेवन तो प्राइम नंबर है एट के तरह चेक कर लें देखें वन पे भी डिवाइड होता है टू पे भी डिवाइड होता है फोर पे भी और एट पे भी इसके भी कितने बन गए फोर फैक्टर्स नाइन पे आए थे वन पे डिवाइड होता है थ्री पे डिवाइड होता है नाइन पे तो ये थ्री फैक्टर्स बन गए तो इसका मतलब ये भी कंपोजिट नंबर्स होंगे ठीक है तो सिक्स एट नाइन उसके बाद टेन के भी ज़्यादा फैक्टर्स बनते हैं दो से सो ऑन सही है तो ऐसे नंबर जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर्स बनते हैं यानी दो से ऐसे नंबर्स जिनको दो से ज़्यादा नंबर्स डिवाइड कर पाते हैं तो हम उनको बोलते हैं जी कंपोजिट नंबर्स ठीक है चले इसके बाद कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जैसे कि मैं काउंटिंग वन टू हंड्रेड ज़रा चेक करते हैं इसमें कितने आते हैं प्राइम नंबर्स तो ये देखें वन टू हंड्रेड मैंने नंबर शो किए हैं ठीक है वन टू हंड्रेड तो इसमें जो आपको ग्रीन से कैटेगरी में जो शेड नज़र आ रहे हैं जितने नंबर्स हैं वो सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं आप चेक कर सकते हैं ये सिर्फ अपने ऊपर डिवाइड होंगे यहाँ पे वन पे ठीक है बाकी जो इसमें वाइट कलर से चो हुए हैं ये सारे कंपोजिट नंबर हैं स्वाई वन के ठीक है जो वन है वो ये वाला जो वन नंबर है ये ना ही कंपोजिट है ना ही प्राइम है ठीक है वन इज़ नीदर कंपोजिट नॉर प्राइम बाकी जितने वाइट कलर में आपको नज़र आ रहे हैं सारे नंबर्स के हैं वो कंपोजिट नंबर्स हैं वाइट वाले ठीक है और जो आपको ग्रीन में नज़र आ रहे हैं वो सारे क्या हैं जी प्राइम नंबर्स क्लियर है ओके okay जी चलें आगे चलते हैं ओके नेक्स्ट कैटेगरीज है कैटेगरी है जी हमारे पास स्क्र नंबर्स की सो व्हेन यू मल्टीप्लाई एन इंटीजर टाइम्स इट्स द रिजल्टिंग प्रोडक्ट इज़ कॉल्ड ए स्क्वायर नंबर जैसे कि यानी कि ऐसा नंबर जो कि किसी इंटीजर को आपस में मल्टीप्लाई करने से आपके पास आता है जैसे एग्जाम्पल है जी वन वन किस से आया आपके पास क्योंकि वन इन टू वन इज़ वन राइट इसी तरह अगला एक और स्क्वायर नंबर है फोर ये किस पे आया है टू टाइम्स टू करने से एक और स्क्वायर नंबर है नाइन ये कैसे आया है थ्री टाइम्स थ्री करने से ठीक है और इसके अलावा एक और स्क्वायर नंबर है सिक्सटीन ये आया फोर टाइम्स फोर इसी तरह फाइव टाइम्स फाइव से क्या आएगा ट्वेंटी फाइव सिक्स टाइम्स सिक्स से आ जाएगा थर्टी सिक्स राइट तो ये जो जितने भी नंबर हैं इनको मैं सर्कल कर रहा हूँ ये सारे क्या हैं स्क्र नंबर्स हैं या इनको हम परफेक्ट स्क्वायर्स भी कह सकते हैं सही है ओके नेक्स्ट कैटेगरी है जी हमारे पास क्यूब नंबर्स की तो क्यूब नंबर इज़ ए रिजल्ट वेन ए नंबर हैज़ बीन मल्टीप्लाइड बाई इट्सल्फ ट्वाइस ठीक है तो अगर मैं इसको करूँ थ्री टाइम्स तीन दफ़ा मल्टीप्लाई करूँ थ्री टाइम्स थ्री टाइम्स थ्री तो क्या आ जाएगा ट्वेंटी सेवन तो ट्वेंटी सेवन एक क्यूब नंबर है और इसी तरह अगर वन को करूँगा तो वन टाइम्स वन टाइम्स वन इज़ वन ये क्यूब नंबर है टू का क्या करूँ टू टाइम्स टू टाइम्स एक मिनट जी जी टू टाइम्स टू टाइम्स टू तो कितना आ जाएगा एट आ जाएगा ये भी ये क्या है कम क्यूब नंबर है तो ये क्यूब नंबर स्टार्ट होंगे वन से फिर अगला होगा एट उसके बाद होगा थ्री क्यूब ट्वेंटी सेवन फिर होगा फोर क्यूब सिक्सटी फोर फिर फ़ाइव क्यूब वन ट्वेंटी फाइव फिर सिक्स क्यूब हो जाएगा मेरे पास टू हंड्रेड एंड सिक्सटीन ठीक है तो ये चलते जाएंगे तो ये सारे क्या हैं जी हमारे पास क्यूब नंबर्स हैं जो कि हमारे पास ऐसे हासिल हुए हैं किसी नंबर को क्यूब करने से आए हैं ठीक है और राइट स्टूडेंट्स आप कुछ क्वेश्चन करते हैं पास पेपर्स के तो ये आपको क्वेश्चन नजर आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर वन टू और ये साइड पर जो आपको रेड कलर में नज़र आ रहा है ये क्वेश्चन का रेफरेंस है यानी कि ये एक्चुअली कोर्स फोर जीरो टू फोर डी सिलेबस का कोर्स है ऐसा क्वेश्चन नंबर थ्री बी है uh, पास पेपर में और पास पेपर कौन सा है मे जून टू थाउजेंड नाइन का पे पेपर वन राइट ओके वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर वन चलिए राइट डाउन द टू प्राइम नंबर्स बिटवीन थर्टी एंड फोर्टी तो इसमें प्राइम नंबर आपने तलाश करने हैं थर्टी और फोटी के दरम्या में जितने भी आते हैं और इसमें क्या है जी टू चाहिए हमें ठीक है तो चलें थर्टी से स्टार्ट करते हैं थर्टी वन हाँ जी थर्टी वन के दो ही फैक्टर्स हैं वन और थर्टी थर्टी वन इट्स सेल्फ इसका मतलब थर्टी वन इज़ ए प्राइम नंबर नाउ थर्टी टू थर्टी टू इज़ नॉट ए प्राइम नंबर थर्टी थ्री थर्टी थ्री भी थ्री uh, पे जा सकता है अलेवन पे जा सकता है सो नो तो प्राइम नंबर नहीं है थर्टी फोर ईवन नंबर है ठीक है तो ये टू पे भी डिवाइड जाएगा और सेवनटीन पे भी जाता है ठीक है तो थर्टी फोर इज नॉट ए प्राइम नंबर थर्टी फाइव थर्टी सिक्स इसी तरह प्राइम नंबर्स नहीं है थर्टी सेवन यस थर्टी सेवन प्राइम नंबर है ठीक है क्योंकि तो थर्टी सेवन जो है ना वो सिर्फ वन के ऊपर डिवाइड होगा यहाँ पे थर्टी सेवन के ऊपर सो वी हैव फाउंड द टू प्राइम नंबर्स बिटवीन थर्टी एंड फोटी ओके जी नेक्स्ट क्वेश्चन Write down an, ir an irrational number which has a value between वैल्यू and फोर एंड फाइव तो फोर और फाइव के दरम्यान में कोई value आए ठीक है जैसे कि number line में बनाता हूँ फोर और फाइव इसके दरमियान कोई value ऐसी हो जो कि irrational uh, number नंबर हो तो देखें इ रैशनल नंबर मैंने हमने पढ़ा था कि वो सर्ज हो सकते हैं ठीक है स्क्वायरूट के अंदर यानी कि ऐसे नंबर जो जिनका परफेक्ट जो परफेक्ट स्क्वायर ना उनका स्क्यर रूट वो एयर नंबर बन सकता है इसका पाई पाई की वैल्यू बनती थ्री पॉइंट वन फोर तो इसका मतलब वो इस रेंज के अंदर नहीं आती तो वो हम नहीं ले सकते अब हम देखना चाह रहे हैं कि फोर और फाइव के दरमियान कौन सा ऐसा नंबर है जिसका स्क्यर रूट फोर और फाइव के दरमियान में आ जाता है ठीक है तो इसको चेक किया जा सकता है देखें फ़ोर किसका स्क्यर रूट होता है एक्चुअली सिक्सटीन का सो so ये है जी सिक्सटीन का स्क्वायर रूट और फाइव स्क्यर रूट है जी किसका ट्वेंटी फाइव का तो इसका मतलब इसके अंदर कोई भी आप वैल्यू नंबर ले सकते हैं जिसका स्क्वेयर रूट जो है ना फोर और फाइव की रेंज में आएगा जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ जी स्क्वायर रूट सेवनटीन ठीक है तो आप चेक भी कर सकते हैं देखें अगर मैं सेवनटीन का स्क्वायर रूट लेता हूँ तो वो क्या आएगा हाँ जी फोर पॉइंट वन टू जो कि इसी की रेंज में है तो सेवनटीन स्क्वायर रूट सेवन जो है ना इैशनल नंबर है स्क्वायर रूट एटीन भी ले सकते हैं स्क्वायर रूट नाइन्टीन भी लिया जा सकता है ठीक है सो वी हैव टेकन ओनली वन हीयर सो स्क्वायर स्क्रुट सेवनटीन योर आंसर ठीक है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थ्री फ्रॉम द नंबर्स लिस्टेड अबव राइट डाउन ये सारी लिस्ट में आपको नंबर्स नज़र आ रहे हैं ठीक है कुछ डेसिमल हैं कुछ फ्रैक्शंस हैं और कुछ आपको नज़र आ रहे हैं सर्स राइट right? अच्छा जी तो इसमें पर आपने करना क्या है राइट डाउन प्राइम नंबर प्राइम नंबर कौन सा नज़र आ रहा है वो तलाश करते हैं ठीक है तो देखें ये प्राइम नंबर है टू और इसके अलावा कोई नहीं है ठीक सो टू इज़ द प्राइम नंबर ठीक है नेक्स्ट आगे चलते हैं क्यूब नंबर क्यूब नंबर ऐसे नंबर को बोलते हैं जिसका क्यूब रूट निकल आता है पूरा ठीक है तो वो इसमें कौन सा नज़र आ रहा है वो है एट राइट right? एट इज ए क्यूब नंबर ओके नेक्स्ट है इेशनल नंबर इशनल नंबर मैंने पढ़ाया वो ऐसे नंबर्स जिनका स्क्वायर पूरा नहीं निकलता तो वो हो सकते हैं यहाँ पाई हो सकता पाई की वैल्यू तो नहीं है लेकिन एक रूट का नजर आ रहा है आपको बटन ये स्कोय 2 सो स्क्र टू इज एन इेशनल नंबर ठीक है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 फाइंड एन इंटीजियर आर सच दैट आर इज ग्रेटर दैन फाइव एंड फाइव आर माइनस वन इज़ ए स्क्वायर नंबर ठीक है यानी ये जो है एक स्क्वायर नंबर हो आपने आर की वो वैल्यू चूज़ करनी है जिसके लिए एफ़ आर फाइव आर माइनस वन एक्स स्क्वायर नंबर बन जाए स्क्वायर नंबर कौन से होते हैं जिनका स्क्र रुट निकल आता है यानी परफेक्ट स्क्वायर्स राइट चले हम बारी बारी ट्राई करते हैं स्क्ट ये ग्रेटर दैन फाइव है और इन टीचर वैल्यू इसका मतलब हम सिक्स ले सकते हैं सेवन ले सकते हैं चेक करते हैं बारी बारी अगर मैं सिक्स लेता हूँ तो फाइव टाइम्स सिक्स माइनस वन क्या आएगा थर्टी फाइव थर्टी माइनस वन इज़ ट्वेंटी नाइन तो ट्वेंटी नाइन इज़ नॉट स्क्वायर नंबर तो ये नहीं लेंगे बढ़ाते जाए फाइव इंटू सेवन माइनस वन थर्टी फाइव माइनस वन इज़ थर्टी फोर ये भी नहीं है ठीक है और बढ़ाते हैं फाइव एट फाइव टाइम्स एट माइनस वन फोटी माइनस वन इज़ थर्टी नाइन ये भी नहीं है स्क्वायर नंबर राइट ना फाइव टाइम्स नाइन माइनस वन तो ये आ जाएगा फोर्टी फोर ये भी स्क्वायर नंबर नहीं है अब मैं आगे चलता हूँ फाइव टाइम्स टेन माइनस वन तो ये आता जी फोर्टी नाइन विच इज़ ए स्क्वायर नंबर राइट तो इसका मतलब है आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए टेन सो आर इक्वल्स टेन यूर आंसर सो फाइंड द वैल्यू एस विच मेक्स एट एस प्लस टू इज़ प्राइम uh, नंबर अब ये देखें ए टेस्ट जो है ना आपने एस की वैल्यू वो चूज़ करनी जिससे ये पूरी चीज़ जो है ना एक प्राइम नंबर बन जाए ठीक है तो अब आप देख सकते हो कि इसमें टू ऐड हो रहा है अब अगर मैं चूज़ करता हूँ कोई भी नंबर जैसे कि मैं इंटीजर चूज़ करता हूँ वन तो ये जगह एट प्लस टू ट एट टेन आ जाएगा जो कि प्राइम नंबर नहीं है ठीक है अगर कोई भी इंटीजर मैं चूज़ करूँगा तो इससे हमेशा आपके पास ई आंसर ही आएगा ई नंबर अब ईवन नंबर सिर्फ एक ही प्राइम नंबर है वो कौन सा टू है राइट तो इसके अलावा जितने भी ई नंबर्स और प्राइम नंबर्स नहीं है बल्कि कंपोजिट नंबर है ठीक है तो इसका मतलब मैं फिर इसमें इंटीजर्स वन टू तो, थ्री फोर फाइव सिक्स तो नहीं ले सकता तो या तो मुझे कोई ऐसा फ्रैक्शन लेनी पड़ेगी या फिर मुझे कोई या फिर ज़ीरो भी ले जा सकता है देखें ना ये देखें एट टाइम ज़ीरो प्लस टू क्या आ जाएगा टू विच इज़ अ प्राइम नंबर इसके अलावा और भी ले जा सकता है एट टाइम्स जैसे मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ चलें वन ओवर एट कर लेते हैं ठीक है तो ये क्या आ जाएगा एट एट कैंसिल हो जाएगा ठीक है तो आंसर आ जाएगा वन प्लस टू थ्री ये भी प्राइम नंबर है तो इसमें अब आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं जीरो या वन ओवर एट तो मैं यहाँ पे वन ओवर एट ले रहा हूँ यहाँ चलें जीरो लिख लेते हैं ठीक है तो दोनों आंसर्स ठीक है सो so तो राइट और इन ई रैशन नंबर बिटवीन सेवन एंड एट तो सेवन और एट के दरमियान इरेशनल नंबर ज़रा आपने तलाश करना है सेवन और एट के सेंटर में ये हमने पहले भी क्वेश्चन किया है ठीक है इसी तरह का मिलता जुलता तो देखें सबसे पहले आपने चेक करना है जी सेवन किसका जो सेवन किस का, का स्क्वायर रूट बनता है फोटी नाइन का राइट right? और ये किसका बनता है जी सिक्सटी फोर का अब ये तो इरेशनल नंबर्स हैं रैशनल नंबर्स इरेशनल क्या होगा इनके दरम्या में कोई सर्ड होगा ना तो फोटी नाइन फिफ्टी फिफ्टी वन कुछ भी आप ले सकते हैं चले मैं ले लेता तो हूँ इसमें फिफ्टी टू तो आप चेक कर सकते हो फिफ्टी टू जो है ना वो इरेशनल नंबर ही होगा क्योंकि उसका स्क्वायर रूट जो है ना वो नहीं निकलता फिफ्टी टू इज नॉट स्क्र स्क्वायर नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर राइट तो देखें ये इेशन नंबर आ रहा है इसका मतलब मैं यहां पे लिख सकता हूं स्क्वा टू इज एंड इेशनल बिटवीन सेवन एंड एट राइट चलिए आगे चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर फाइव ओके फ्रॉम दिस लिस्ट फ्रॉम दिस लिस्ट ऑफ नंबर राइट डाउन अ प्राइम नंबर अ स्क्वायर नंबर एंड इेशनल नंबर चले जी वही क्वेश्चन है इसमें आप प्राइम नंबर तलाश करते हैं तो प्राइम नंबर कौन सा आपको नजर आ रहा है इसमें थर्टी फाइव तो ये तो एक इर नंबर है चलें जी ये तो या इर नंबर राइट स्क्वायर रूट थर्टी फाइव और कोई रेशनल नंबर है नहीं क्योंकि थर्टी सिक्स का स्क्वायर रूट निकल आता है राइट ओके अब आगे चलते हैं ये क्या चीज़ है ये एक नॉर्मल नंबर है इसमें ना ये प्राइम नंबर है बल्कि स्क्वायर नंबर कह सकते हैं इसको स्क्वायर नंबर नहीं स्क्वायर नंबर भी नहीं कह सकते क्योंकि इसका स्क्वायर रूट निकल आता है सिक्स सिक्स इज नॉट ए स्क्वायर नंबर राइट इसका मतलब ये नंबर हम स्क्वायर नंबर के अंदर नहीं लिख सकते हाँ ये लिख सकते क्योंकि इसका स्क्वायर रूट निकल आता है राइट सो दिस इज एक्चुअली ए नंबर अब आगे रह गए प्राइम नंबर प्राइम नंबर कौन सा इसमें नजर आ रहा है आपको ये देखें जी थर्टी सेवन राइट right? क्योंकि प्राइम नंबर इंटीजर होता है और उसके सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं वन और अदर नंबर इट सेल्फ तो इसमें वन और थ्री थर्टी सेवन इस नंबर को सिर्फ डिवाइड कर सकते हैं बाकी कोई ऐसा नंबर इंटीजर नहीं डिवाइड कर सकते इसको ठीक है So, 37 is a prime number. Okay, We have another question, question number 6. Uh, according to the statement, uh, square root of 5 whole 1 over 16, a mixed fraction, right, can be expressed as the rational number, any case, Kovnei's formula, p over q, any case, simple fraction, right, and where p and q are the integers. Find the value of p and q. द वैल्यू ऑफ क्यू तो सिम्पल है तो बहुत आसान क्वेश्चन है ऐसे आपने करना है क्या सिंपल आपने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है और फिर इसको, इसको इस फ्रैक्शन यानी कि पीओवर क्यू फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना और फिर देखने क्या उसके ऊपर नोमिनेटर नोमिनेटर विल बी द पी एंड द डिनिनेटर विल बी क्यू राइट चलें इसको कन्वर्ट करते हैं फिर लिखते हैं जी स्क्वाय रूट ऑफ फाइव होल वन बाई सिक्सटीन तो देखें कैसे आप मिक्स फ्रैक्शन कन्वर्ट करते हैं ये जो डिनोमिनेटर है ये मल्टीप्लाई करता है इस फाइव से सो सिक्सटी फाइव आर एट्टी और यानी कि ये मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें जो भी होगा ये प्लस कर देंगे राइट सो सिक्सटीन फाइव आर एट्टी एटी प्लस वन इज एटी वन राइट ओवर सिक्सटीन अभी भी ये ये वाली फॉर्म नहीं बने क्योंकि इसमें स्क्वायर रूट साइन नहीं है तो देखें स्क्वायर रूट ले जा सकते एट्टी वन का यस एटी वन स्क्वायर रूट इज़ नाइन और सिक्सटीन का स्क्वायर रूट था फोर ये कन्वर्ट हो गया पी ओवर क्यू फॉर्म में तो इसमें अगर मैं इसको इक्वेट करूँ पी ओवर क्यू फॉर्म में तो देखें जो पी है वो क्या बन रहा है नाइन और Q क्या बन रहा है फोर राइट सो द आंसर इज P इक्वल्स नाइन एंड Q इक्वल्स फोर ओके सो ये आई थिंक ये काफ़ी हैं क्वेश्चन इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के लिए uh, इसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस करें रिवाइज uh, करें टॉपिक को तो ये इंशाल्लाह आपको प्रॉब्लम कभी नहीं करेगा ठीक है खास तौर पर जो डेफिनेशन हैं और जो इसके एग्जाम्पल्स हैं वो बार बार रिवाइज़ करें तो आप किसी भी तरह के क्वेश्चन जो है ना वो सॉल्व कर सकते हैं ठीक है ओके टेक केयर अल्लाह हाफिज़